पसंद आ गया वैसे, मैं रख लूं? नहीं तो गाइस कैसी लग रही हूँ मैं? इस तरह से पोज आना चाहिए आपका। ये लिया था नायका से, है फ्री गिफ्ट, तो ऑब्वियसली फ्री गिफ्ट है तो दीदी का ही हक होगा, तो मैंने मार लिया इसका। इसलिए लिया पहले तो ये बता। बॉटल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो ब्लॉग है ना, स्पेसिफिकली शूट हो रहा है आपको ये दिखाने के लिए कि सिस के जाने का टाइम आ गया है, कल उसकी फ्लाइट है, कल उसको दिल्ली ड्रॉप करने जाएंगे, और उससे पहले उसने की है थोड़ी सी शॉपिंग। वहां पे ले जाने के लिए कुछ चीजें ली है, कुछ हमने उसको दे दी है लेके, कुछ उसने खुद से ले ली है, तो आज वही चीजें आपके साथ शेयर करूंगी कि उसे वह क्या क्या चीजें हैं जो वो लेके जा रही है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, काफी सारी चीजें दिखाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों के बारे में। तो जो उसने कपड़े जहाँ से परचेज किए ना अपने लिए, कुछ तो इन ट्रांजिट है, अभी तक आए नहीं है, आज या कल में आ जाएंगे, आज ही आ जाएंगे, मतलब कल तो चले जाना है। तो दिखाते हैं आपको, एक तो इसने लिया है कॉर्ड सेट, ये वाला कॉर्ड सेट, ये आप देख सकते हो। उसके बाद क्योंकि वहाँ विंटर बहुत ज्यादा पड़ती है तो इसलिए कॉर्ड सेट काम आएगा उसको। एक इसने लिया है ये वाला कुर्ता, कुर्ता अच्छा, कुर्ता बहुत प्यारा है, व्हाइट कलर का, इसके साथ एक लेगी भी है ब्लू कलर की। एक ली है ये हुडी, ये हुडी इसको बहुत ज्यादा पसंद आई थी, ये चीजें वहाँ बहुत काम आने वाली है, यहाँ तो गर्मी हो गई है, वहाँ सर्दियाँ है, ये हुडी ली है। एक ये शर्ट है, ये भी बहुत अच्छा है कलर भी। और एक इसने लिया है ये वाला, ये भी स्वेट शर्ट ही है, देखो कलर बहुत प्यारा है इसका येलो, ये तो मुझे भी पसंद आ गया वैसे, मैं रख लूँ? नहीं ठीक है। और एक ली है ये वाली टी शर्ट, ये टी शर्ट तो गाइज मैंने भी ऑर्डर कर ली सेम, तो हम ट्विनिंग करेंगे कल, आप देखिएगा कल वाले ब्लॉग में। तो ये थे कुछ कपड़े, अब देखते हैं जो जरूरत की चीजें जो किचन में काम आने वाली है ना, वो इसने क्या क्या बाय की है वो आपको दिखा। किचन में ये बोल रही थी कि ये लेना ये लेना, तो मैंने कहा भी मेरे पास घर में रखा हुआ है, पैसे अलग से क्यों भाई वो करने, तो मैं कहा जो घर में पड़ा है तो वो मैं अपना घर से ही दे देती हूँ, अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले ये इसको कहती थी टेबल है, ये टेबल हमने मंगवाए थे कंप्यूटर टेबल, एक टेबल हमारे पास पड़ा हुआ था, एक्चुअली मंगवाया था हमने अपने यूज के लिए, बट यूज ही नहीं हुआ, लैपटॉप के लिए मंगवाया था काम करने के लिए, बट यूज ही नहीं हुआ, आज मैं जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, काफी सही है स्टडी। तो ये टेबल ही कह रही कि मेरे पास यूजफुल है, इसके पास स्पेस काफी कम है तो यूज हो जाएगी, ये काफी सही टेबल है, ये देखो इस तरीके से आप इसे यहाँ रख के आप इस पे खाना खाओ, लैपटॉप यूज करो, कुछ भी, चलो मैं ही यूज कर लेती हूँ अगर आप बात हुई है तो, ये लीजिए इसकी हाइट एडजस्ट करके। चलिए नेक्स्ट दिखाइए जी क्या दिखाना है हमें। तो गाइज कैसी लग रही हूँ मैं? लेके आई है तवा, इसे ना रोटी बनाने में दिक्कत होती है, कभी डोसा वगैरह भी बनाना होता है, तो मैंने कहा नॉन स्टिक ले जा, ये आयन का भी है ना, लोहा का ही नॉन स्टिक है, लोहे का ही, ये नया आया ना, पहले नहीं कभी नहीं, तो या तो नॉन स्टिक होता है या तो लोहा होता है, दोनों चीजें, लोहा भी है और नॉन स्टिक भी है, वेट देखो वेट अच्छा है गाइस, और तवा भी बहुत सुंदर है, डोसा वगैरह, इसका हैंडल भी काफी स्टर्डी है, उत्तम बनाए डोसा बनाए जो बनाए, तो ये इसका कवर है देख सकते हो आप, दूसरे एक है ये बाथरूम चप्पल, इसका तो क्या ही दिखाना, खोल ये आप देख लो, कलर देख लो आप, पिंक कलर है, तो ये लिया है बाथरूम चप्पल वहां पे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मैं तो यहाँ ऐसे बैठ गई हूँ जैसे मैंने यहाँ पे होलसेल की शॉप, ये है किचन के डब्बे और ये पड़े हुए खुले, ये दिखा, ये ओपन में दिखा देते हैं, दो सेट है ये, ये देखो यहाँ ना इसको, वहाँ इसको स्पाइसेस रखने के लिए चाहिए, और ये सारे नहीं लेके जाए, कह रही दो आप रखो, हाँ विद स्पून, तो एक्स्ट्रा मंगाए थे इसने, कलर बहुत अच्छा है, ये भी अच्छी क्वालिटी है, दो का पेयर है ये, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो ये लेके जा रही है, दो इसने एक्स्ट्रा मंगा लिए थे, तो सोचा कि चलो हम रख लेते हैं, तो ये हो गए डब्बे, और ये बटर पेपर, एम्पार्शमेंट पेपर, ये बटर पेपर, एम्पार्शमेंट पेपर, कुछ भी कह लो, फॉइल पेपर आजकल बहुत ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है, कोई भी यूज करना नहीं चाहता, वो सेफ नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तो ये मंगा लिया है, ये लेकर जाएगी। ओके नेक्स्ट मोम, नेक्स्ट एक बैग भी इसने मांगा, इसमें मैं लेके आई थी ये ब्रेड बनाने के लिए, तो ये इसका ढक्कन भी है ब्रेड बनाने के लिए, कहती मैं वहाँ पे बनाऊंगी, मैं कहा तू ले जा, मैंने अभी यूज ही नहीं किया, और ये वो छोटा मोटा स्पैचुला वगैरह, ये नींबू वाला भी घर पे रखा हुआ था, तो मैंने कहा मार्केट से है, तो हमने घर से तो अलग से क्या ही करना, ऐसे बॉटल होगी, ये इसका ये हो गया सिलिकॉन का स्पैचुला, तो ये सारा ये कर देते, इसका क्या ही निकालना, ये चीजें तो एजेंसी भी काम आ जाएगी। और ये लिया है इसने क्या बोलते हैं इसको, ऑयल की बॉटल, ऑयल डिस्पेंसर है ये, ऑयल डिस्पेंसर है ये चीज क्या है, यहाँ पे आपको इस तरीके से डाल लो, स्पून की जरूरत नहीं है, आप पराठा बना रहे हो, ऑयलिंग के लिए सब्जी में डाल रहे हो, तो यूजफुल चीज है, प्लास्टिक है और ठीक है, क्वालिटी भी ठीक ही है, ज्यादा अच्छी नहीं कहेंगे, ठीक है। और ये है बेडशीट, ये भी मैंने घर से ही दे दी, कॉटन की बेडशीट है,
तो इसको पसंद आ रही थी, मैंने कहा चलो तू ले जा, ये बहुत किंग साइज है और ये बेडशीट है। ये वहाँ पे जो बेड्स होते हैं जो थी किंग साइज होते हैं, नॉर्मल साइज छोटे होते हैं, तो ये तो तेरे को फिर बड़ी रहेगी ना वहाँ पे। लेकिन बेडशीट चलो घर से ही मिल गई, खरीदना क्या, हमारे पास पड़ी होती है घर पे। और बाकी ये बर्तन है, ऐसे ये भी लेने लगी थी कल मार्केट से, मैं बर्तन वादू पड़े हुए हैं घर में, क्या करने लगे तो ये सूरज भगवान को जल देने के लिए, रोज देना भी और मेरे को फोटो भेजनी है, दे रही है, वीडियो बना के देना है कि आप वहाँ पे इसका यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जरूर, और ऐसे इस तरह से पोज आना चाहिए आपका, ठीक है। और बाकी तो ये इसका अपना छोटा मोटा, ये तो क्या ही जो स्किन केयर है, ये एक ये चीज ली है इसने, तो ये तूने बेसिकली लिया है बैंगन का भरता बनाने के लिए या रोटी सेकने के लिए, या अपना भरता बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए, टमाटर की चटनी, टमाटर भूनना होता है या कुछ रोस्ट करना है उसके लिए। और ये ना इसको ये पसंद बहुत आया था, क्या बोलते हैं इसको, चॉपर हैंडी, तो ये मेरे पास है ना, तो इसको भी पसंद आया तो कहती मैं भी लेके जाऊंगी। सबसे बेस्ट चीज पता है क्या इस चॉपर की, इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, अपना हाथ से किया और इजिली, और ये ऐसी चीजें वैसे भी हैंडी होती है काफी। और ये लेके आई है ये बनाने के लिए चीला वगैरह, उत्तपम बनाओ, चीला बनाओ, सूजी का वो क्या बोलते हैं राउंड वाले शेप में बन जाता है, तो मेरे पास तो दूसरा अप्पे पहना ना, तो ये इसमें चीला भी उसी बैटर का ही, मतलब अप्पे नहीं तो ये इसका चीला वगैरह बन जाएगा और बिल्कुल गोल बनेगा ये, और मैंने घर पे ट्राई किया था, बिल्कुल चिपका नहीं है, तेरे लिए ये सही फायदे की चीज है। तो ये भी इसकी यूज की चीज है, ये बाय करके हमने छोटा मोटा सामान, ये एक बैग एडिशनल लिया है ताकि इसमें छोटी मोटी चीजें कैरी कर ले। और ये कलम नाइका गए, पहले इसने नाइका से बाय किया वहाँ पे एक शैम्पू की बड़ी वाली बॉटल, एक इसने लिया है एक कंसीलर के ब्यूटी का, ये आप देख लो ऐसे दिखा, शेड इसने अपना मैच करके लिया है, इसने लिया है के ब्यूटी का ही कॉम्पैक्ट, ये भी इसने अपना शेड मैच करके लिया है, एक इसने लिया है सीजर, लगता है वहाँ सीजर मिलती नहीं है तो इसने सोचा की ये इसे ले लेती हूँ मैं सीजर भी, तो बाकी इसने लिए है कुछ क्लचर्स, और एक ना इसने एक इसने लिया है, ये मम्मा के लिए ली थी एक लिपस्टिक, ये शेड बहुत अच्छा लगा, सेम इसी के पास कलर थे तो कहती आपको भी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, मेबलिन की, मोस्टली हमारी मेबलिन की होती शेड है, ये शेड कौन सा है, ये शेड है टच ऑफ स्पाइस 660 टच ऑफ स्पाइस, आप भी ट्राई कर सकते हो, अच्छी है, उधर ही रखते। और एक ना इसको मिला है फ्री गिफ्ट, तो ऑब्वियसली फ्री गिफ्ट तो दीदी का ही हक होगा, तो मैंने मार लिया इसका फ्री गिफ्ट, ये है कंटूरिंग है जो ये मैंने रख लिया है क्योंकि इसके यूज का नहीं, आई शेडो ये लगाती नहीं, लगाती तो वैसे मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं करती, बट मैं कंटूरिंग में यूज कर लूंगी इसे, तो ये मेरे काम की चीज है, तो मैंने इसे ले लिया है कि तू क्या करेगी ले जाके, तूने कौन सा यूज करना है मैं ले लेती हूँ। चलो और ये किस लिए लिया, पहले तो ये बता, बॉटल साफ करने के लिए, ये सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज ये है जूसर, और इसके कल मैंने निकाल के भी इसको जूस पिलाया था, इसको पसंद आ गया ये, और ये इसने यही से मार लिया इसको, कह रही है तो मैं ये भी लेके जा रही हूँ, क्या करोगे जूस पी के, मैं पी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं कोई बात नहीं, तूने पिया, और ये ले लिया मैंने एक हीट बैग, हीट लिंट रोलर, फटाफट लिंट रिमूवर, वही नॉट रोलर, कहाँ गया, और ये मामदस्ता, ये है मोली, नहीं ये क्या है सुंडी कोटा। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाती हूँ मैं आपको, ये है दिया, क्योंकि दिवाली पे दियों की बहुत जरूरत है, इस बार राम जी आए थे जब अयोध्या में तो मनाया था, तो इसके पास दिए नहीं थे ना तेरे पास, कैंडल जलाई पर, मैंने कहा तू पहले ही ले जा एक्स्ट्रा, ये तो ये दिए ले लिए, और ये क्यों लिया तूने भाई, ये किसकी एडियां साफ करेगी, ये अपने मुंह का स्क्रब करने के लिए दिया, ये दोनों मुंह छिल जाएगा तेरा, और ये लिया है कढ़ाई साफ करने के लिए, एपिलेटर फिलिप्स का, ये लिया क्या है, ये तो मेरे पास ही रखा था, ऐसे मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, बट मेरा ज्यादा यूज नहीं हुआ, तो फिर मैंने, मेरे वैक्स ही नहीं आती गाइस, मेरे बाल नहीं आते, गिफ्ट किया था और ये खुद ही वापस लेके जा रही, कह रही तेरे काम की चीज नहीं मैं ही ले जाती हूँ, तुम ही ले जाओ, मैं यूज भी नहीं करती उसे, ये तो इसने दिखाया लिंट रिमूवर, ये भी इसको वहाँ काफी जरूरत पड़ती है, मेकअप लिया तो देखो किसी ना किसी चीज में रखना भी है, तो ये तो गाइस मेकअप नहीं, ये ना दो का कॉम्बो लिया था मैंने, छोटी किट मेरे पास है बैग में, बड़े वाली इसको इसको यूज हो जाएगी वहाँ पे, तो मैंने दो इसलिए ही ली थी उस टाइम, ताकि ये ले जाए बड़े वाली, मैं ये दिखाई ये लेके आए, हाँ एक ये मेन चीज है वहाँ पे जो इसको बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, काफी हैंडी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, सब्जी बनाती है ना इसको दिक्कत होती है, तो कहती है मिक्सी वगैरह जूसर, ये है ब्लेंडर बोरोसिल का, तो ये इसने लिया है, देखो कितना सही रहता है, ये ना हमने ऑनलाइन बहुत देखा है, हम भी मम्मी और मैं भी सोच रहे थे काफी टाइम से, मंगवा लिया तो ऑनलाइन, पता क्या हुआ उसमें बहुत अच्छी चीजें मिस थी,
तो वापस करते कलम शॉप से लेके आए। तो ये बेस्ट चीज ये है कि इसमें आपको कोई भी स्पाइस है, स्मूदी बनानी है, जूस बनाना है, सब कुछ बन जाएगा। तो ये बेस्ट है और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मुझे इसकी। कलर बहुत प्यारा है इसका, कंपनी अच्छी और इसकी वारंटी है 2 साल की, 2 इयर्स वारंटी। दूसरा ये है कि घर आके ठीक करके जाएंगे, अगर ये मान ले कुछ खराब हो जाता है, इसने तो घर वहाँ रहना, अगर यहाँ इंडिया में है तो घर आके ठीक। तो इनकी सर्विसेज काफी अच्छी सुनी है हमने, देखते हैं यूज करेगी, अगर अच्छा निकलेगा तो हम भी बोरोसिल का ही ले लेंगे थोड़े टाइम बाद। अभी तो नहीं, अभी तो हमारे पास मिक्सी है। मैंने 2 सीरम हेयर सीरम, ये मेरा मॉइस्चराइजर, ये हिमालय का, ये हिमालय का बॉडी लोशन, बॉडी लोशन, स्क्लैप स्कैल्प मसाजर, स्क्लैप ये डब्बा, ये कुर्ते पजामे लेके आए थे पापा के लिए इसके, तो ये सिल्क के आ चुके हैं। मैंने कहा कुर्ते पजामे लेके आए थे सिल्क के आ चुके हैं ये भी, तो ये देखो डाल लेंगे तो फिर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे वीडियो या पिक जो भी। ये एक और मॉइस्चराइजर डर्माकोका जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, सेरामाइड, इस तरह के एडाप्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाहर जब भी गई थी तब भी लेकर गई थी, अब फिर से एक लेके जा रही है। और ये है कुछ टूल्स, बेसिक टूल्स है ये, तो ये भी वहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे दरअसल ना मैं कॉस्टली भी होते हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज है लेबर सर्विसेज वो काफी महंगी है। तो यही से टूल ले जा रही है, खुद ही कर लेगी, खुद ही प्लम्बर बन जाएगी, खुद ही इलेक्ट्रिशियन बन जाएगी। तो हाँ होना चाहिए घर पे। एक ये भी टूल्स में ही आता है, और ये एक लिपस्टिक है इसकी, इसने ली थी, ये भी टूल्स है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो उसने बाय करी है। बेडशीट वगैरह मैंने दे दी अभी, ये उलन की थी तो ये घर से ही दे दी अभी। मैंने कहा क्यों इतना वो करना, फिर अपना ये घर से दे दी। चलो अब मैं चलती हूँ किचन में, तुम्हारी वीडियो की बहुत इधर फोकस कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। आप देख सकते हो मेरे आसपास का सामान एक बार देख लो, जो मैंने आपके साथ सारा शेयर कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन ट्रांजिट हैं, 2-4 चीजें जो आज रिसीव हो जाएंगी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी, जब कल हम इसको छोड़ने जाएंगे उसके बाद वाले व्लॉग में ऐड कर दूंगी। तो होप आपको कुछ चीजें पड़ा है वो अभी इसने रखना है, वो जब रखेगी तब आपको शेयर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। पसंद आया तो आपको क्या करना है, सिंपल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो आसमान आएगा ना उसके बीच में वीडियो बना, बोला कि जो चीजें अभी पेंडिंग रह गई है वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। टिल देन गाइज वी टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।